हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है और 1 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर जो है चुनाव होंगे, तो जिसको लेकर सभी पार्टियों के कैंडिडेट भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। और हिसार से बात की जाए तो आम आदमी पार्टी से संजय सातरोडिया, ये भी आम आदमी पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आप हिसार से आम आदमी पार्टी के टिकट से दावेदारी कर रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे और कौन कौन से आपके मुद्दे रहेंगे जो आज तक जो जनता जनता को जितनी भी जो वो सामाजिक तौर पे जो भी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो कौन कौन से मुद्दे हैं? पहले तो जी आपको विनोद जी पंजाब केसरी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है जी, आम आदमी पार्टी जैसा भी हमें आदेश देगी, हम चुनाव की तैयारी में हैं और पूरे 2 महीनों से हम जनता के बीच में हर मुद्दे की, हमारे संदीप पाठक जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने जो हमें अलग अलग मुद्दों पर जनता के बिजली के बिल और जैसे परिवार जोड़ो अभियान और अब हम गारंटी कार्ड ऐसे लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। भाई आपको 300 यूनिट बिजली 24 घंटे फ्री मिलेगी जी। और आज दूसरा, हमारे जो 5 गारंटियां हम हिसार की जनता को देंगे वो भी आपको बताएंगे जी। और जैसे हिसार के मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं जी हिसार के, जैसे तो हम उनके ऊपर भी जनता के बीच में ले जाके आपको बताएंगे जी। तो आप शहर के अंदर भी काफी दौरे कर रहे हो, तो जिस जिस मोहल्ले में जाते हो तो किस प्रकार की जो है वहां पर जो समस्या देखने को मिल रही है? देखो, हम हर बस्ती मोहल्ले गलियों में आज करीब 2 महीने से जा रहे हैं जी। जनता सबसे ज्यादा जो परेशान रही हरियाणा की जनता, अब इस समय बारिश का मौसम था तो गलियों का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज्यादा खराब है जी। तो इसके ऊपर इन्होंने कोई फोकस नहीं करा। जनता बीजेपी से बहुत नाराज है क्योंकि जितने भी चौक बनाए हैं उन पर इतना पैसा खर्च कर दिया, तो जनता उसको महसूस करिए भी ये पैसा ड्रेनेज सिस्टम पर लगाते। और जैसे शिक्षा कि बहुत बदहाली व्यवस्था है, हॉस्पिटल बढ़िया नहीं है, तो जनता दवाई दवाई के लिए परेशान है। हम काफी जगह गए, लोग बोले डायलिसिस करानी पड़ती है तो प्राइवेट में जाना पड़ता है, और हमें डिलीवरी करानी पड़ी तो हॉस्पिटल का देख के हाल, वो डिलीवरी कराने का मन नहीं करता और डॉक्टर नहीं होते, दवाइयां नहीं होती, पर मजबूरी में हम प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी कराते हैं। और उससे क्या दिक्कत आती है, हमारे ऑपरेशन से बच्चे करने किए जाते हैं तो ये भी हमें बड़ी दिक्कत आती है। तो काफी महिलाओं ने हॉस्पिटल अस्पताल और बच्चों की शिक्षा इतनी महंगी हो गई है हिसार में कि सबसे महंगी शिक्षा में बच्चे हम तो पढ़ा नहीं पाते आम आदमी। तो इस बार जनता चाह रही है कि आप शिक्षा और अस्पताल की जो आम आदमी पार्टी बात कर रही है उस पर हम वोट करेंगे। तो आपने कहा कि महंगाई भी ज्यादा हो गई है, तो भाजपा सरकार के राज के अंदर जो है उनका दावा है कि हमने हरियाणा पूरे हरियाणा के अंदर काफी विकास कार्य किए हैं, आम जनता की जितनी भी जन सुविधाएं है उनको उनके घर तक जो है पहुंचाने का काम किया है। बिल्कुल भी नहीं किया जी इन्होंने। आप ये मान के चलो 10 साल में पूरे हरियाणा का विनाश कर दिया। अगर आप पूछो, देखो जनता के बीच में जाता हूँ तो बोला जी, एक तो ये सेक्टरों में प्लाटों की ऑक्शन कर दी, तो इससे कि आम आदमी को प्लाट से तो वंचित कर दिया। अभी मैं पीछे गया तो एक आदमी ने पूछा जी, इसके लिए आप क्या करोगे? भाई आज मकान बनाना तो बहुत मुश्किल कर दिया, सेक्टर इन्होंने बढ़ाने बंद कर दिए, और आज आप हाल देख रहे हो कि छोटे छोटे शहरों में और में प्लाट होते जो कि जी, तो हर किसी के बस का नहीं रहा। इन्होंने SC BC कोटा प्लाटों में खत्म कर दिया, ऑक्शन पे लाए, तो इससे जनता नाराज है। दूसरा, इन्होंने NDC हाउस, प्रॉपर्टी हाउस पर जनता इतनी परेशान रही है हरियाणा की कि इतना भ्रष्टाचार रहा कमेटी में 5 साल तक, तो इन्होंने जब से बहुत ज्यादा लूट मची है जी। एक एक प्रॉपर्टी आईडी बनाने पर लोग कह रहे हैं जी, हम लाख लाख दो दो लाख रुपए देख आए जी। तो जनता इनसे बहुत त्रस्त है। सीवर लाइन, पानी लाइन बिल्कुल खत्म हो चुकी है, सारा पानी भर चुके हैं, लोगों के मकान डूबे हुए हैं। और तीसरा क्या जी, देखो ना तो इन्होंने कोई शिक्षा पे इन्होंने कोई काम किया, मोहल्ला क्लिनिक पे नहीं किया, सरकारी हॉस्पिटल खुद बीमार पड़ा है, तो आप बताओ जी इलाज कैसे करेगा? जनता खुद कह रही है भाई सरकारी हॉस्पिटल बीमार पड़ा है, तो आप खुद देख रहे हो। तो ये जो सारी समस्याएं हैं जनता खूब देख रही है, और हम बिजली से बहुत त्रस्त है जी, महंगे बिल आ रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है, आमदनी कम हो रही है, दुकानों पे काम नहीं है, व्यापारी भी नाराज है बीजेपी से इस बार। तो आप देख रहे हो कि जनता इस बार बदलाव चाह रही है, पूरे हिसार की जनता बदलाव चाह रही है, और मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली के कामों की तारीफ पूरी जनता ने, हमें एक भी आदमी
पूरे हिसार में मैं करीब करीब 5,000 परिवार से मिल चुका हूं जी, और फोन नंबर हम भी लाए हैं। गारंटी कार्ड हमने हर घर को दिया भी, सरकार मंत्री आपकी 300 यूनिट बिजली पहले दिन से ही भरी है, तो जनता ने उस काम को बहुत सराहा और खूब कहा जी इस बार हम सब आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे जी। तो आपने गारंटी की बात की, तो 5 गारंटी आखिर क्या है जो आप हरियाणा के अंदर लेके आए हैं, तो किस प्रकार से उस पर कार्य किया जाएगा? ऐसा है जी, देखो हमने 5 गारंटियां जो अरविंद केजरीवाल की घर घर पहुंचाई है, उनमें सबसे पहली है कि 24 घंटे और मुफ्त बिजली 300 यूनिट मिलेगी। दूसरा हमने जो अच्छी शिक्षा और फ्री शिक्षा, ठीक है जी, उसके बाद हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक और शानदार वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल को आप ये मानकर चलो जी एम्स के बराबर का हॉस्पिटल हिसार में बनाया जाएगा। जो पैसा ये हवाई अड्डे पे और इन्होंने लाइटों पे, LED पे, चौकों पे खराब कर दिया, आज वो पैसा हम जनता के इलाज के लिए लगाएंगे। हर महिला के खाते में 1,000 रुपये देंगे समान राशि, ताकि वो अपने छोरी छापरिया ने और ना भी अपने में खर्च कर सके। और फिर हमारा जो हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, तो उस बेरोजगारी के लिए हमारे अरविंद केजरीवाल ने और दिल्ली पंजाब में भगत मान जी ने बहुत अच्छे काम किए। अभी 60,000 के करीब करीब सरकारी नौकरियां 2 साल में दे दिया है, और रोजगार के लिए कई योजनाएं लेकर आए, स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया, जैसे स्किल यूनिवर्सिटियां खोल रहे हैं, तो इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं जो, और सभी जिलों में हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो हमने दिल्ली में, पंजाब में शानदार हॉस्पिटल मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, जनता चाह रही है कि हमारे मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बने और खर्चे बचे, ताकि 5-7,000 रुपये महीना दवाई पानी और शिक्षा का खर्चा है, और शिक्षा सबसे महंगी है, और शिक्षा को हम रोकेंगे जो स्कूलों की बेताब फीस बढ़ रही है। ऐसे प्राइवेट स्कूल बने हुए हैं जी, और उन्हीं घरानों के बने हुए हैं जो राजनीति में है, तो उनको भी हम ये स्कूल की फीस रोकेंगे। और बहुत काम है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा देंगे, जैसे हमने क्या नाम, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका सारा इलाज सरकार देती है। सैनिकों को हम 1 करोड़ रुपये शहीद होने पर पेंशन देते हैं समान राशि, तो ये बहुत सी स्कीमें हैं जी जो हम यहाँ हरियाणा की जनता को देंगे। OPCS स्कीम इनकी चालू करेंगे, जो काफ़ी लोगों की डिमांड थी, हम अभी कह रहे थे लोग, तो ये सारी पेंशन, पुरानी ओल्ड पेंशन पॉलिसी भी देंगे सबको, तो ये सारी चीज़ें करेंगे जी जनता की। तो संजय जी, आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि हिसार से विधानसभा की सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी से जैसे बजरंग दास गर्ग, राम निवास राडा ये दावेदारी कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी से आप दावेदारी कर रहे हो, और भाजपा से सावित्री जिंदल या कमल गुप्ता, इनके भी चर्चाएं चल रही है, तो क्या आप एक बनिया समाज से बिलोंग करते हो, तो क्या जब विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो क्या ये वोट बट नहीं जाएंगे, कितना असर कौन सी पार्टी में पड़ेगा? ऐसा है जी, देखो मैं ये कह सकता हूँ जी, अग्रवाल समाज पूरा आज मेरे साथ है। सारा अग्रवाल समाज BJP से इतना नाराज है कि उनको अरविंद केजरीवाल की जी को जेल में डाल रखा है इतने दिनों से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक ने भी कहा भाई इनके साथ ये गलत आपने स्टे दिया हाई कोर्ट ने, तो सारे अग्रवाल समाज में रोष है, क्योंकि अग्रवाल समाज को फख्र है कि आज एक अरविंद केजरीवाल हिसार का लाल, आज फख्र है कि वो हिसार का है, तो इसलिए हिसार की अग्रवाल समाज चाह रहा है कि भाई हमारे समाज से जो आम आदमी पार्टी से होगा हम इसको वोट देंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे अग्रवाल समाज से निकले, आज जो वर्ल्ड में इनका नाम हो रहा है और जो काम इन्होंने किया है समाज के लिए, देश के लिए, तो उसको देखकर जी सारा समाज मेरे पास खूब फोन आ रहे हैं। अभी पीछे परसों पार्क में समाज इनके लोगों ने मेरे को बुलाकर जी बड़ा मान सम्मान दिया, प्रोग्राम कर रहे हैं, और सभी ये कह रहे हैं जी हम आपको देंगे। देखो जो बड़े घराने को आया इस बार जनता का उनसे मोह भंग हो चुका है, क्योंकि उन्होंने पार्टी बदल ली, पहले कांग्रेस फिर BJP, तो उनको भी जनता इस बार वोट नहीं देना चाह रही, समाज की तरफ से जरूर आ रहे हैं। और तीसरा हमारे जो व्यापार मंडल के आप अध्यक्ष लिए या कमल गुप्ता जी लगा लो, और जो भी समाज की तरफ से आ रहा है, तो समाज इनको सबको पहले देख भी चुका है, और अलग अलग समय में इनको कमल गुप्ता जी का BJP का विरोध चल रहा है, और आप इस समय जनता BJP को तो वोट देना ही नहीं चाह रही, तो समाज का नेतृत्व में हमें मिलेगा, और अरविंद केजरीवाल को सारा समाज चाहता है, तो हम मुझे पूरी उम्मीद है कि सारा समाज और पूरा देश, समाज ही नहीं पूरा हिसार मेरे साथ है, जो मेरे को चाहता है भी आम आदमी पार्टी के काम करें, और आम आदमी पार्टी की जननीति को जो हम नीचे तक पहुँचाया ले तो उसका सम्मान होगा।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने एक लेटर लिखा है चुनाव आयोग को आगे तारीख बढ़ाने के लिए। उसी तरह से इनेलो के भी अभय सिंह चौटाला, उन्होंने भी लिखा है। तो क्या लगता है कि आपको, क्या चुनाव आयोग इस तारीख में कोई बदलाव करेगा? ऐसा जी, इन्होंने लेटर दिया है, अच्छा है जी, चुनाव तारीख बदले, हमें तो क्या दिक्कत है जी, हम तो पहले भी तैयार थे और अब भी तैयार है। इन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल जी से डरते हुए, भाई वो आ रहे हैं, तो इसे इन्होंने चुनाव एकदम अचानक कर दिया। आप ये देखो, सीएम को भी नहीं पता भाई आज चुनाव की हरियाणा की घोषित हो जाएगी। तो इन्होंने अरविंद केजरीवाल का आने का खतरा दिख रहा था तो जल्दी में कराया, अब इनको लग रहा है कि हम बाद में कराएं, इनको ये खुद कमजोर हो रहे हैं, ज्यादा दिन राज करना चाह रहे हैं, तो इनकी इच्छा जी कोई दिक्कत नहीं, हमें तो हम तो हर तरह से तैयार हैं। और अरविंद केजरीवाल जी जल्दी जनता के बीच में होंगे और हम बड़े जोरदार से इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, और जनता के बीच में बिजली गारंटी योजना हमारी बड़ी काम कर रही है जी, तो इस बार हम तैयार हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कराएं, बिल्कुल जी। हिसार का विकास किस तरह से देखते हैं? कितना विकास हुआ हिसार में? हिसार का तो जी विकास मैं कह रहा हूँ जी होया ही नहीं, इन्होंने तो विनाश करा है। विकास को एक ये चौक सजाने को विकास कहते हैं, सिर्फ चौकों पे, और ये एलईडी लाइट हजारों करोड़ रुपए देश के बर्बाद कर दिए, पूरे देश में एलईडी लाइटें लगा लगा के, और आज ये चौकों पर इतना पैसा बर्बाद कर दिया जी, और ये एक हवाई अड्डा कंक्रीट का जंगल कहूंगा जी मैं जिसको इन्होंने खड़ा कर दिया, और ये हवाई अड्डा कोशिश कर रहे हैं जी आज उड़ान हो जाए कभी ये उड़ान, आने वाले समय में काफी व्यापार बढ़ेगा, ये ये बात तो है। व्यापारी, अगर मैं ये कहता था जी अगर इसकी जगह एक एम्स हॉस्पिटल बना देते, आप बताएं विनोद जी, अगर आज यहाँ एम्स हॉस्पिटल होता, राजस्थान तक के लोग यहाँ आते, नोर भादरा हनुमानगढ़ गंगानगर तक के लोग यहाँ इलाज कराने आते, और इधर से आप लगाओ डबावाड़ी तक के लोग यहाँ एम्स में इलाज कराने आते हैं, तो आप बताओ व्यापार किससे बढ़ता है, इससे बढ़ता है या उससे। और ये कह के भी आए थे जब भाई पूरे हिंदुस्तान में हर जिले में एक एम्स बनाएंगे, तो एम्स के लिए बहुत अनुकूल स्थिति थी हिसार की, जितना बजट लगाया अगर एक शानदार एम्स बनाते सभी लोगों को इलाज मिलता, हिसार के लोगों को इलाज मिलता। और आज कल हवाई अड्डा कब होगा कब नहीं, देश में बहुत हवाई अड्डे बंद पड़े हैं, और ये हवाई अड्डों से क्या है जी, इन्होंने जमीनों के रेट बढ़ाने थे, अपना व्यापार करना था, मास्टर प्लान इन्होंने अभी तक लटका कर रख रखा है, कभी तो बस स्टैंड को उधर ले जा रहे हैं, कभी इधर ले जा रहे हैं, सब पैसे का गालमेल के लिए मास्टर प्लान, आज 2 साल से मास्टर प्लान 2021 का प्लान खत्म हो चुका है, आज 3 साल हो गए मास्टर प्लान नहीं बना पाए, सरकार हर तरह से निष्फल हुई है, एनडीसी के मामलों में भी इन्होंने सारे घरों में कभी तोड़, हम अगर आए तो ये 7 उनकी वायलेशन को खत्म करेंगे जी, जिससे ना 1 मिनट में किसी का भी मकान अवैध बना के तोड़ देते हैं। डाबड़ा रोड पे इन्होंने इतने गरीबों के मकान तोड़े इसके नाम पे, तो हम ये सारा जो 7A की वायलेशन इसको खत्म करेंगे जी, हम एनडीसी हमने दिल्ली पंजाब में हमने आते ही खत्म कर दी जी, तो ये जो प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे जो एनओसी पे खूब भ्रष्टाचार हो रहा है तहसील में, ये बिल्कुल खत्म कर देंगे जी। मैं जनता को इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जी मैं उनका बेटा भाई बन के मैंने अपना काम करना है जी, हम ना तो इस राजनीति में पैसा कमाने के लिए आए जी, ना पर्सनल, दे भगवान की कृपा है मेरे को, दो जो दो रोटी दे रहा है मैं उसमें खुश हूँ जी। अरविंद केजरीवाल जी ने जब हम आए तो उनके ऑफिस में सबसे पहले क्या, भाई अगर आप पद लालच और पैसा कमाने के लिए आए हो तो आज ही ऑफिस में से छोड़ के चले जाओ, तो उस दिन मैंने वहां शपथ ली थी, तो आज उसी शपथ के हिसाब से कह रहा हूँ कि मैं ना मेरा कोई ध्येय पैसा कमाना, मैं इसी राजनीति में सेवा के लिए आया हूँ, अगर हिसार की जनता मुझे मौका देती है, आम आदमी पार्टी मेरे को यहाँ से उम्मीदवारी के टिकट देती है, तो मैं जनता की सेवा के लिए तैयार रहूंगा, 24 घंटे मैं जनता के लिए काम करूंगा, सच्चे मन से काम करूंगा, और मैं जो हिसार के मुद्दे हैं मेरे को सारे पता है जी। देखो आज ये चौक से है, मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं हरी भरी वसुंधरा का प्रेसिडेंट रहा हूँ जी, बैडमिंटन एसोसिएशन में, तो मैंने काफी काम पर्यावरण पर बहुत किया है और पर्यावरण की तरफ मेरा बहुत ज्यादा रुझान रहता है, तो मैं जी हिसार के जो काम है मोहल्ला क्लिनिक हर मोहल्ले में बनाएंगे ताकि लोगों को बहुत फायदा मिले, और खूब शानदार वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाएंगे। हिसार के लोग मेरे पास सबसे ज्यादा एमबीए कॉलेज में एडमिशन के लिए आते हैं दिल्ली में, तो मैं एक एमबीए कॉलेज आप नो मानो अहमदाबाद के बराबर का एम कॉलेज, आईएम कॉलेज है जो, उसके बराबर का कॉलेज हिसार में बनाऊंगा जी, और इतना शानदार कॉलेज एमबीए कॉलेज बनाऊंगी बच्चे दिल्ली ना जाएं, और जो ये इंस्टीट्यूटों में आज जी 50-50 हज़ार रुपये फीस दे रहे हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा लूट का अड्डा बन रहा है जी, हम चाह रहे हैं कि देखो बच्चों को जो भी ट्यूशन और स्कूल है
वो सरकार द्वारा दिया जाए, स्किल सेंटर खोले जाएंगे। युवा बेरोजगार क्यों है जी? पूरे देश के युवाओं की समस्या है। युवा पढ़ा लिखा है, एमबीए बीए कर लिए, लेकिन उसको काम का कुछ नहीं पता। तो सबसे ज्यादा हम स्किल सेंटर खोलेंगे और उनको वर्ल्ड क्लास स्तर के जी उनको हम उनको स्किल करेंगे जहां जहां उनकी जरूरत है। और दिल्ली में हम ये कर भी रहे हैं, पंजाब में हमने शुरू कर दिया, बड़ा शानदार स्पोर्ट्स कॉलेज खोलेंगे जी। 14 सेक्टर के और हिसार के लिए मान लो हम एक शानदार क्लब देंगे, जैसे दिल्ली में पंजाबी बाग क्लब है, और उस क्लब में सभी तरह के गेम होंगे बच्चों के लिए खेलने के लिए फ्री में, जिसके अंदर सभी बच्चे बैडमिंटन, अपने टेनिस, सभी तरह का हिसार में कहीं भी सुविधा नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा शानदार क्लब बनाया जाएगा जिसके अंदर सभी शहर के अपने प्रोग्राम कर सकेंगे। और आज जितने भी देखो, एक शानदार सरकार की तरफ से हम बैंकेट हॉल बनाएंगे जहां आम आदमी, गरीब आदमी अपनी शादी ब्याह, अपने प्रोग्राम कर सके। और इस हिसार के काफ़ी जो काम है, सड़क ड्रेनेज सिस्टम पे जितना भी बजट होगा वो सारा बजट लगेगा कि पहले ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाएगा और ये भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा जी। जो भी कमेटी में और तहसीलदार और जहाँ भी डीसी कोई भी लेवल पर ऑफिसर बैठेगा जी, बिल्कुल ईमानदारी से काम करेगा और जनता के बीच में रहेंगे। जनता की जब भी कोई ऐसी शिकायत है कि काम नहीं होंगे, तो हम उनके लिए तैयार खड़े रहेंगे जी। तो ये थे हमारे साथ संजय सातरोड़िया जी, इन्होंने हिसार से टिकट की दावेदारी की है और इन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी की जो 5 गारंटियां है उन पर जो है अगर आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनती है तो उन पर पूरा जो है काम किया जाएगा और गरीब आदमी के लिए ये आम आदमी पार्टी कार्य करती है और जितनी भी मूलभूत सुविधाएं है उनको जो है आम आदमी पार्टी बनने के बाद दूर किया जाएगा। पंजाब की टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।